अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गल्फ इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जानकारी देने वाला हूं। मेरे भाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो पे आके कॉमेंट कर रहे हैं कि भाई, इंडिया में इंडिया का हिंदुओं का वीजा कतर में नहीं दिया जा रहा, यानी हिंदू वर्कर जो भी कतर अभी जाना चाह रहे हैं उन लोगों का वीजा को रिजेक्ट कर दिया जा रहा। इस तरह से बहुत सारे भाई, बहुत सारे लोग मुझे बार बार कॉमेंट कर रहे, जितने ही मेरे हिंदू भाई हैं। तो भाई, एक भाई के तरफ से मुझे उसी के रिलेटेड एक कमेंट किया गया है दोस्तों, वो मैं कमेंट आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पूरी सच्चाई मालूम चल सके कि कतर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, क्योंकि हुकूमत के तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है या मिनिस्ट्री के तरफ से ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि हिंदू वर्कर को कतर में लिया जाएगा और हिंदू वर्कर को कतर में नहीं लिया जाएगा और मुसलमान वर्कर को ही कतर में लिया जाएगा। तो सबसे पहले दो कॉमेंट भाई ने किया है, दोनों कॉमेंट को मैं शो कर रहा हूं। पहला भाई का कॉमेंट है, मेरा एक दोस्त इंडिया का मुस्लिम है, उसका रिजेक्ट रिजा हो गया है। यानी दोस्तों, एक दोस्त है उनका है, जो जो भाई ने मुझे कमेंट किया है, मुझे लगता है शायद वो हिंदू भाई है। उस हिंदू भाई ने कमेंट किया है कि मेरा मुस्लिम दोस्त है, उनका भी वीजा रिजेक्ट कर दिया गया है कतर के तरफ से। इसका मतलब ये साफ होता है कि कतर में कोई भेदभाव नहीं है हिंदू या मुसलमान को लेकर, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, सभी को वीजा को वहां पर रिजेक्ट किया जा रहा है। अब दोस्तों, वीजा को रिजेक्ट क्यों जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, वो भी भाई के तरफ से कमेंट किया गया, वो भी कमेंट में आपको दिखाऊंगा। तो भाई, आप क्लियर आपको हो गया होगा कि हिंदू मुसलमान इसमें नहीं देखा जा रहा, वीजा सभी का रिजेक्ट किया जा रहा है। भाई दूसरा कमेंट करते हैं, दूसरा साल चल रहा है, काम नहीं है कतर में, कहां से न्यू वीजा इशू करेगा। अगर कोई कंपनी को जरूरत ओनली मुस्लिम को बुलाते हैं रिक्वायरमेंट पर है, मगर कतर गवर्नमेंट अभी तक हिंदू मुस्लिम नहीं किया है। इतनी सारी कंपनियां हैं जो हिंदुओं की हैं और हिंदू मुस्लिम करना गलत है। भाई के तरफ से यह कहा जा रहा है कि दो साल से वहां पे काम नहीं है, इसी के वजह से वहां पे नया वीजा इशू नहीं किया जा रहा है और इसी की वजह से वीजा को रिजेक्ट किया जा रहा है, पहला बात। दूसरा बात यह कहा गया है कि भाई कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि आपको हिंदू को नहीं लेना और मुसलमानों को लेना है। तीसरी बात भाई ने यह कहा कि बहुत सारे वहां पे कंपनियां कतर में ऐसी हैं जो कि हिंदुओं की हैं। तो भाई, इस भाई ने इतनी बड़ी बात दोस्तों कमेंट में लिखी है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कतर में हिंदू मुसलमान को लेकर कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं हो रही है, बस वीजा रिजेक्ट होने का रीजन ये है वहां पे काम की कमी है। काम की कमी के होने के वजह से कतर में वीजा को बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है। तो भाई, आप लोग जो ये बार बार सोच रहे हैं कि हिंदू होने की वजह से आपका वीजा को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी है। ऐसी सोच बिल्कुल भी ना रखें। वीजा जब इशू होता है तो सभी को होता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, सभी का होता है। तो जब भी नॉर्मल हो जाएगा वहां पे काम, मतलब पहले जैसा होने लगेंगे, तो वीजा सभी का एक्सेप्ट किया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। पर फिलहाल अभी सभी का वीजा को रिजेक्ट किया जा रहा है। ये दोस्तों, मैं आप भी सही कह रहे हो और मैं भी इसके बारे में जानता हूं। तो छोटी सी जानकारी आपको देना जरूरी था। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलती है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद एंड टेक केयर।